नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय कंस्ट्रक्शन लाइन चैनल। दोस्तों, जो हमारा पिछला वीडियो था स्टेयरकेस के बारे में, जो मेन स्टेप्स होते हैं मेन एंट्री के, उसका मैंने वीडियो आपको दिखाया था। आज मैं आपको एक न्यू ट्रिक बताऊंगा कि ये अपना एक किचन है और इस किचन पे अपने को दो यहाँ पे पत्थर डालने हैं, जो ये शक्कर चीनी और चाय के जो डब्बे और जो शो के ग्लास वगैरह रहते हैं वो रखने के लिए अपन किचन के ऊपर जो शेल्फ डालते हैं, उसके एक न्यू ट्रिक बताऊंगा जो आप पूरा यूट्यूब छान रहोगे तो भी आपको वैसा वीडियो नहीं मिलेगा आपको। अभी समस्या ये है कि यहाँ पे अपने को पत्थर लगाना है लेकिन पत्थर अपने पास नहीं है, तो इसके लिए अपन क्या करें, क्या उपाय है अपने पास कि यहाँ पे अपने को सेल्फ लगाना ज़रूरी है और अपने पास पत्थर नहीं है, या यूँ समझ लीजिए मालक नहीं लाना चाहता है। तो इसमें हमने पहले बहुत बार ऐसा किया है, तो अभी सेम यहाँ पे यही प्रॉब्लम है क्योंकि साइट कंप्लीट होने को चली है और एक्स्ट्रा पत्थर यहाँ पे एक भी नहीं है जो कि हम यहाँ पे सेल्फ डालें। तो बहुत ही सरल और सुंदर दिखने वाला एक न्यू ट्रिक अपन यहाँ पे आज करेंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे फ्लोरिंग में ये टाइल है 32x32 की, जो कि डबल कोटेड है। ये देखिए, ये 32x32 की टाइल है। इन टाइलों का अपन वहाँ पे सेल्फ बना के डालेंगे। वो कैसे डालेंगे और क्या करना पड़ेगा उसके बारे में चलिए मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमने उसी टाइल का 32, इसकी जो लंबाई है वो 32 इंच है और चौड़ाई के अंदर हमने इसको लिया है 7.5 इंच, तो आधा इंच ये दीवार के अंदर चला जाएगा और दीवार से बाहर ये 7 इंच रहेगा। तो ये सिंपल सा हमने टाइल को काट लिया है और यहाँ पे एक कॉर्नर इसका थोड़ा सा काट दिया है ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। अभी आपका सवाल ये है कि आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये पॉलिश का भाग तो ऊपर हो जाएगा लेकिन नीचे से तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो उसका उपाय ये है कि हमने ये टाइल के दो टुकड़े किए हैं। ये देखिए, ये एक टुकड़ा नीचे और एक टुकड़ा ऊपर, अभी सिर्फ इसको काटा गया है, चिपकाया नहीं गया है। ये देखिए, दोनों की जो रफ वाला भाग है दोनों का अंदर है। अभी इसमें हम ये करेंगे कि इसको एरोडाइट से चिपका देंगे और साथ में अभी जस्ट अपने को इसको लगाना है तैयार करके, तो एरोडाइट से इसको जगह जगह पे टेका लगा के और फेविक्विक से चिपका देना है। फेविक्विक से चिपकाने के बाद में ये तैयार हो जाएगा। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि ये जो बीच में जो ये ऐसा वाला सिस्टम दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, ये तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसका उपाय ये है कि इसको चिपकाने के बाद में इसमें हम ब्लेड मारेंगे। ब्लेड मार के मारने से ये होगा कि एक सेम साइज़ का एक ग्रुप बन जाएगा और उस ग्रुप में हम ब्लैक कलर भरेंगे, तो एक ये मतलब एक तरह की डिजाइन सी तैयार हो जाएगी और दोनों तरफ से ये एकदम फिनिशिंग दिखेगी और सामने से ये इसमें ब्लैक कलर देके और ये एक डिजाइन सी तैयार हो जाएगी। तो ये लगाने के बाद में एकदम सुंदर दिखेगा, प्लस ये वेस्टेज में तैयार किया गया है और यहाँ पे इसमें क्योंकि ये ग्लास कोटेड है तो सफाई करने में भी कोई तकलीफ नहीं है, एकदम कपड़ा मारते ही एकदम अच्छा हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें अभी हमने ये ब्लेड मार के बीच में और ये काला कलर इसमें भर दिया है,
ताकि एक तरह से डिजाइन सीधी ये तैयार हो जाएगी। अभी इसको हम पॉलिश करके तैयार करेंगे और उसके बाद में फिट होने के बाद में आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों अभी फिट होके तैयार हो गया है। ये फिट होने के बाद इस प्रकार दिखता है। ये देखिए थोड़ा अंधेरा हो गया है, हम लोग लेट हो गए, इसके लिए थोड़ा आपको नहीं दिखेगा। ये देखिए नीचे की तरफ पॉलिश और ये ऊपर की तरफ पॉलिश और सामने से ये इस प्रकार ग्रू हो जाता है। इसमें हमने ब्लैक कलर भर दिया है, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, और ये वही किचन है जिसमें हमने एलईडी लाइट दी। ये देखो एलईडी लाइट इसमें जल रही है और ऊपर जब लाइट हो जाएगी तो तब ये एकदम खूबसूरत दिखेगी। तो इसका ऑलरेडी हमने वीडियो बना के डाला हुआ है, यदि वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, तो आप वो वाला वीडियो भी देख लीजिए। ये एक बहुत ही सुंदर ट्रिक है दोस्तों, आप इससे इन्हीं वेस्टेज टाइलों से आप किचन में भी कॉर्नर डाल सकते हैं, सेल्फ डाल सकते हैं, बाथरूम में भी डाल सकते हैं, संडास में भी डाल सकते हैं, जहाँ पे आप लगाना चाहो वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी टूटने फूटने जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम पिछले 7-8 साल से ये यूज करते आ रहे हैं। तो अचानक मेरे दिमाग में ये, क्योंकि हम लगा ही रहे थे तो मेरे दिमाग में ये ध्यान आ गया कि क्यों ना दोस्तों को भी बता दिया जाए, तो इस पर्पस से ये मैंने वीडियो बनाया है। तो आई होप ये दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने यार दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करके उनको भी ये ट्रिक बताइए। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय।